मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माइंड एडुटेक। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करे थे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है। 7 में बोला जा रहा है कि टू कॉइंस आर टॉस्ड वंस, वेयर बच्चों दो सिक्के को एक साथ उछाला गया है ना, एक बार सिर्फ दो सिक्के को एक बार उछाला गया। तो यहाँ पे दो तरीके का बात होता है, आप एक सिक्के को दो बार उछालिए या दो सिक्के को एक बार उछालिए, दोनों बार सेम होता है, दोनों में सिंपल इस पे सेम ही बनता है। उसमें आपको बोला जा रहा है इवेंट ई क्या, टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन, और एफ में क्या बोला जा रहा है, वन कॉइन सो हेड, देन आपको बताना पीई बाई एफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में ही आपको लिख दिया गया है कि 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना होगा, फिर ई और एफ को सेटिस्फाई करने वाले इवेंट्स एलिमेंट्स बाहर निकालने होंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा और फिर क्या पी एफ निकालना होगा। चलिए तो सारे काम को हम लोग करते हैं जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में करे थे, राइट। 6 में 3 क्वेश्चन था बच्चों, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आई होप आप वहां पे दो क्वेश्चन जो बच रहे हैं आप उसे कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों क्या हो गया, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि दो सिक्के को उछाला गया, हेड टेल और फिर क्या हेड टेल। तो जब बच्चों दो सिक्के को आप एक साथ उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा या टेल टेल होगा, यही सब आपका पॉसिबल आउटकम्स है, राइट। तो ये आपका सैंपल स्पेस का सेट बन गया, एच 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 टी टी एच और टी टी। आप देख सकते हैं कि इवेंट ई, ई क्या बोल रहा है, टेल अपेयर्स ऑन वन कॉइन, टेल अपेयर्स ऑन वन कॉइन मतलब एक सिक्के में टेल दिखेगा। तो एक सिक्का यहां पे है, ये आ गया यहां पे, यहां पे बच्चों दोनों सिक्के में आपका टेल है, तो एक सिक्के में सिर्फ टेल दिखेगा, तो हमारा क्या हो गया एच टी और टी एच, राइट। तो एच टी और टी एच आपका हो गया क्या, राइट। तो यहां पे आपका देखिए इवेंट ई क्या निकल करके आ रहा है, इवेंट ई में ये दो एलिमेंट आपका आ जाएगा, हेड टेल और टेल हेड। एंड एफ में क्या आएगा बच्चों, वन कॉइन सो हेड, एक सिक्के में आपका क्या आएगा हेड, सिर्फ एक ही सिक्के में हेड आना चाहिए। तो ये देखिए हेड टेल और टेल हेड ऐसा है, इसमें तो दो हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है और इसमें तो एक भी हेड नहीं है। तो आपके पास क्या होगा कि वन कॉइन सो हेड, एक सिक्के में हेड आएगा, मतलब एफ में भी वही दोनों एलिमेंट आपका निकल करके आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप देखिए यहां पे एन एफ, नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट एफ में क्या हो गया एन एफ। तो बच्चों हम लोगों को पी एफ की जरूरत होता है, क्योंकि हम लोग यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आफ्टर एफ निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या चाहिए पी एफ। तो पी एफ आप यहां पे निकाल सकते हैं, क्या हो सकता है, हो जाएगा पी एफ की वैल्यू एन एफ बाई एन एस, और एन एफ की वैल्यू 2 है और एन एस की वैल्यू कितना है हमारे पास 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस कितने हैं 4, ये आपका कैंसिल हो गया और क्या आ गया 1/2। तो मैंने क्या यहां पे देखा कि पी एफ हमारा कितना आ गया 1/2, आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो। एन एफ की वैल्यू आ गया क्या 1/2, ओके। अब हम लोगों को क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा। तो देखिए बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, देन ई इंटरसेक्शन एफ में आपको क्या मिलेगा, इसे इरेज करते हैं, तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में एच टी एच इसमें भी है और टी एच इसमें भी है, और एच टी इसमें भी और टी एच इसमें भी, मतलब दोनों कॉमन, तो क्या हो गया एच टी और टी एच। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, कितने एलिमेंट है इसमें 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 2/4, मतलब क्या 1/2। तो बच्चों ये हम लोग देख पाए क्या कि पी ई इंटरसेक्शन एफ भी 1/2 है और पी एफ भी कितना है 1/2 है। तो आप देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अपॉन एफ हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई क्या पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/2
और PF भी हम लोग कितना लाए 1/2, ये पूरा कैंसिल 1, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 1। ओके तो ये हमारा निकल करके आया। इसमें एक क्वेश्चन और भी है बच्चों, नो टेल अपेयर और नो हेड अपेयर, राइट, नो टेल अपेयर और नो हेड अपेयर। तो आप देखिए ई में क्या बोला है, नो टेल अपेयर, और एफ में क्या बोला है, नो हेड अपीयर, ना ही एक भी हेड नहीं होगा और एक भी टेल नहीं होगा, ये आपको बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा पी बाई एफ। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सिंपल स्पेस अभी देखे थे, एच एच आया था, है ना, एच टी था, टी एच था और टी टी था। तो आप ये देख सकते हैं नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस कितना, 4। सैंपल पॉइंट यहाँ पे कितने, 1, 2, 3, 4, तो सिंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हो गए आपके, 4। अब देखिए ई, ई क्या बोल रहा है बच्चों, नो टेल अपेयर, एक भी टेल नहीं होगा, तो इसमें एक टेल, इसमें एक टेल, इसमें दो दो टेल, तो ये वाला एलिमेंट ऐसा है जिसमें एक भी टेल नहीं है, तो ये सिर्फ हो गया हेड हेड। और एफ में क्या बोल रहा है, नो हेड अपेयर, एक भी हेड नहीं आएगा, तो इस एलिमेंट में देखिए यहां तो दो हेड, यहां पे एक हेड, यहां पे एक हेड, इसमें एक भी हेड नहीं, तो एन एफ कितना हो गया 1, तो दैट्स इंप्लाइज पी एफ कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4। तो आप देख सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई सेट में एच एच है और एफ सेट में टेल टेल है, तो यहां पे एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 5, और इम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या, इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो गया 0। तो स्टूडेंट अगर आपको पीई बाई एफ निकालने के लिए बोला जाए तो हो जाएगा क्या, पीई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई क्या, पी एफ, और पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0/1/4, दैट्स इक्वल 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना हो गया बच्चों आपका, 0 हो गया। ओके तो इस तरीके से ये 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे नोट करिए, चलिए इसे इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या बोला जा रहा है आपको, बोला जा रहा है क्या कि अ डाई इज थ्रो 3 times, एक डाइस को 3 फेंका जाता है, एक सिक्के को 3 उछाला जाता है, ठीक है, और ई दिया है 4 अपेयर्स ऑन 3rd टॉसेस टॉस, और एफ में बोला है क्या कि 6 and 5 अपेयर्स रिस्पेक्टिवली एंड 1st 2 टॉसेस, राइट। तो यहाँ पे डाइस का प्रॉब्लम है बच्चों, और यहां भी आपको क्या ई बाई एफ निकालना है, राइट, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो लेट करते हैं क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपका एनालिसिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक सिक्के को हम लोग, एक डाइस को हम लोग 3 उछाल रहे हैं, और 3 डाइस को उछालने पे पूरा सिंपल स्पेस हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 216 बनेगा, और 216 एलिमेंट लिखना पॉसिबल तो है, लेकिन ऐसा काम करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मतलब आपको विजुअलाइज करना होगा कि हाँ 216 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, तो बच्चों डाइस को 3 फेंका जा रहा है, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर क्या दूसरे डाइस थ्रो में भी यही हो सकता है, एंड 3rd थ्रो में भी हमारा यही हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट, यहां से यहां 6 है, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, 6 6 36, और आप यहां पे करेंगे इसको मल्टीप्लाई 6 से, तो 216। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस क्या, 216, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो टोटल कितना 216 एलिमेंट्स निकल करके आएंगे सिंपल स्पेस में, 36 होता तो बना सकते थे, राइट, पर 216 बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, राइट। तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, सिर्फ विजुअलाइजेशन करेंगे और वहीं से क्वेश्चन को देखेंगे। तो बच्चों क्या बोला जा रहा है, ई में 4 अपेयर्स ऑन 3rd टॉस, ई में क्या है, तीसरे टॉस में 4 आएगा, ठीक है, तो पहला 2 टॉस आपका क्या है, देखिएगा तीसरे टॉस में 4 आएगा, तो पहला 2 टॉस इंडिपेंडेंट है, मतलब आप पहला बार थ्रो करें कुछ भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं,
दूसरा बार थ्रो करें कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तीसरे बार में क्या चाहिए, चार। तो पहले बार के लिए क्या बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6, ये कुछ भी आ सकता था। सेकंड बार में भी 1 2 3 4 5 और 6 कुछ भी आ सकता था, लेकिन थर्ड बार में आपको चाहिए क्या, 4। ओके, थर्ड के लिए क्वेश्चन ने रिस्ट्रिक्शन डाला है, चार अपेयर्स ऑन थर्ड टॉस, ठीक है, तीसरे टॉस में चार चाहिए, इसलिए हम लोग सिर्फ चार वाला ही एलिमेंट को यहाँ पे लिए। तो इन ई में कितना एलिमेंट हो जाएगा बच्चों, वो देखिएगा, 6 6 और 1, है ना, इसमें 6 है, इसमें 6 और इसमें 1, तो 36। अब बच्चों किस टाइप के एलिमेंट होंगे, देखिए, 1 1 फिर 4, राइट, 1 2 फिर 4, राइट, यहां से आप ले लेंगे 1 2 और 4, है ना, 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, फिर 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4, इस तरीके से, फिर यहां से 3 लेंगे, फिर 1 फिर 4, 3 2 4 3 3 4 3 4 4, ये सारा एलिमेंट में जैसे कुछ भी आप लिखिए, 4 5 और यहां पे 4, लास्ट में क्या चाहिए, 4, ये होना चाहिए, जैसे 6 4 3 1, तो ये लास्ट में 4 नहीं है, तो ये इस एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, यहां पे आपको 4 चाहिए, इस एलिमेंट की बात कर रहा। तो ये ऐसे वाले एलिमेंट जो है सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, राइट। अब देखिए क्या एफ में क्या बोला जा रहा है बच्चों, एफ में बोला जा रहा है क्या है, 5 and 6 6 and 5 appears, on first two tosses, मतलब पहला दो टॉस में, पहले में क्या बच्चों 6 और दूसरे में क्या चाहिए आपका 5, तो 6 and 5 appears on first two tosses respectively, मतलब पहला टॉस में 6 और दूसरे में आपको चाहिए क्या 5, तो 6 और 5 आपको चाहिए, राइट। देखिए 6 और 5 appears वाला हम लोग एलिमेंट निकालते हैं, तो पहला में 6 दूसरा में 5, तो 6 बच्चों 5 और 1, लास्ट में तो कुछ भी हो सकता है, 6 5 और 2, फिर क्या 6 5 और 3, 6 5 और 4, 6 5 और 5 और 6 5 और 6, तो यही 6 एलिमेंट है जिसके फर्स्ट टॉस में 6 है, सेकंड टॉस में 5 है, लास्ट में तो कुछ भी हो सकता है, तो लास्ट में पॉसिबिलिटी कुछ भी क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6, यही हो सकता है। अब कोई भी ऐसा टॉस नहीं जिसके पहले में 6 दूसरे में 5 और लास्ट में कोई और नंबर, 7 थोड़ी आ जाएगा, यहां पे तो डाइस है आपका, राइट। तो 6 5 और 1, 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 एंड 6 5 6, तो एन एफ क्या हो गया यहां पे आपका 6, राइट। कितने एलिमेंट है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या, 6 बाई, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हम लोग आया, 216, 6 बाई 216 आ गया। तो ये हमारा हो गया पी एफ, हमें चाहिए था पी ई अपॉन एफ, जिसमें से मैंने पी एफ तो निकाल दिया, राइट, मैंने पी एफ निकाल दिया, पी ई अपॉन एफ के लिए पी एफ हम लोग बच्चों निकाल चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए, अब निकालना होगा ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई और एफ, तो ई में कैसे एलिमेंट है स्टूडेंट, जिसके तीसरे टॉस में 4 है, मतलब लास्ट में क्या 4, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जिसके लास्ट में 4 है। एफ में क्या, किसके लास्ट में 4 है, देखिए इसमें तो नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है, बाकी इन किसी में नहीं, तो एफ में एक ही एलिमेंट ऐसा मिला जिसके लास्ट में 4 है। ई में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कॉमन तो यही आएगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि इसमें तो एक ही है, ठीक है, इसमें और होता तो वो भी जा सकता था। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 6 5 4, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा बच्चों, 6 5 और 4। चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, F में जो है एक ही एलिमेंट है जिसके लास्ट में क्या मिला आपको, 4 मिला, राइट। और E में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जब इस एक में एक ही एलिमेंट है तो उसमें कितना भी रहे, कॉमन तो सिर्फ यही आने वाला, कि कॉमन का मतलब दोनों में जो होना चाहिए, तो E इंटरसेक्शन F 6 5 और 4, तो इसकी कितनी संख्या बच्चों, N E इंटरसेक्शन F 1, तो प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, 1 upon ns, ns की वैल्यू 216, और pf हम लोग निकाले हैं क्या, 6 upon 216।
बच्चों आपसे पूछा है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होगा, ई बाई एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। तो स्टूडेंट बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पीई बाई एफ ही पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका 6 में ही पूछ दिया कि 6, 7, 8, 9 में आपको पीई बाई एफ निकालना है, यहां पे नहीं लिखा है, 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में लिखा गया है पीई बाई एफ। तो पीई बाई एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पीई इंटरसेक्शन एफ कितना है बच्चों, 1/216 और ये 6/216, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये आपका 1/6 इसका आंसर होगा। बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या ये कंप्लीट कर पाए इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करें हैं, 9 में आते हैं, इसे इरेज करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोला जा रहा है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। बच्चों मदर है, फादर है और सन है, ठीक है, ये लोग क्या एक लाइन में खड़े हैं फैमिली पिक्चर के लिए, है ना, फोटो क्लिक करवाने के लिए एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सन जो है एक एंड पे होगा, सन इज ऑन वन एंड, बच्चा जो है एक किनारे पे बैठेगा और फादर जो है वो मिडिल में बैठेगा, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब इस तरीके से सपोज दैट आप देख लीजिए एक टेबल है ना, यहाँ पे एक, ठीक है, और ये ठीक है, ये आपका सन है, ये मदर है और ये फादर, ठीक है, इस तरीके से तीन लोग एक लाइन पे बैठे। तो बच्चों ये लोग अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं, तो जितने अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होंगे उतना आपका सिंपल स्पेस में एलिमेंट आएगा, ठीक। तो आप लोग को देख सकते हैं कि हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं कि तीन एलिमेंट को एक लाइन में अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 3 से हम लोग करते हैं, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगा 3 × 2 × 1 मतलब 6, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस क्या होगा, 6। तो आपको बताना है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया गया कि बच्चा जो है वो किनारे में होगा सन और फादर जो है वो मिडिल में होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंपल स्पेस क्रिएट करना होगा, ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल स्पेस क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेट एस बी द एस क्या है बच्चों, सिंपल स्पेस। तो फादर है, मदर है और सन, यहां पे आपको समझना है एस एम एफ का मतलब, एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर और एस फॉर सन, ठीक है बच्चों। फादर को हम लोग इधर ही रखते हैं, मदर और सन को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या एस एम, ये अरेंजमेंट हो गया। इसमें क्या फादर को हम लोग उसी तरीके से रखें, एम और एस को एस एम बना दिए हैं। फिर क्या बच्चों, एस रखते हैं एफ एम हो जाएगा, और फिर क्या एस रखते हैं एम एफ हो जाएगा, राइट, एस एफ एम और एस, फिर एम और एफ को इंटरचेंज कर दिए। तो अब किनारे में एक बार एफ रहा, एक बार एस रहा, एक बार एम को रखते, एम एफ एस और क्या एम एस एफ, ठीक है, एम को किनारे में रखे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिए। तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट होगा, अब आप कोई भी अरेंजमेंट बनाइएगा तो फिर से वो रिपीट कर जाएगा आपका, ओके। तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट आपको क्या मिला, ये, और टोटल आप देख सकते हैं तो 6 आया है, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो गया, 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6। अब देखिए बच्चों ई और एफ में क्या बोला गया, ई में बोला गया है क्या, सन ऑन वन एंड, बच्चा जो है एक किनारे में होगा, सन जो है वो किनारे में, ये देखिए ये है एस, किनारे में, बीच में एस नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि मिडिल में एस नहीं होना चाहिए, सन ऑन वन एंड, बच्चा एक किनारे में होगा, ठीक है। तो एस का मतलब सन है ना, सन मतलब बेटा, तो बेटा इसका क्या किनारे में होगा, तो एस यहाँ पे किनारे, यहाँ तो एस मिडिल में, ये नहीं है, ये वाला एस होगा और ये वाला एस होगा और ये वाला एस होगा, यहाँ पे एस मिडिल में। तो ऐसे 4 केसेस निकल करके आ रहे, एफ एम एस और एस एफ एम, ये वाला,
फिर एस एम एफ और क्या एम एफ एस, राइट बच्चों? ये चार केसेस आपके निकल करके आया है इसमें, इसमें एस क्या है एंड पे है, तो एस यहां पे एंड पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और एफ क्या है, एफ के बारे में दिया है क्या है, फादर इन मिडिल, फादर कहां पे बच्चों, मिडिल में है, तो देखिए फादर मिडिल में, तो फादर यहां पे मिड में है और यहां पे मिड में है, बाकी हर जगह पे फादर जो है वो किनारे में है, ठीक है। तो दो ऐसे केसेस है जिसमें फादर जो है क्या मिडिल में, तो एम एफ एस और एस एफ एम, तो ये दो एलिमेंट ऐसे है बच्चों जिसमें फादर क्या है मिडिल में है, तो एन एफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना, कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, एक और एक दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ क्या है, दो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ कितना निकला है बच्चों, दो निकला है, राइट। चलिए अब आपको क्या देखना है, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या होगा इसे हम लोग देखते हैं, ई और एफ में कॉमन, तो बच्चों यहां से आप पहले पी एफ भी निकाल लीजिए, तो पी एफ कितना हो जाएगा, क्योंकि पीई बाई एफ में पी एफ की जरूरत पड़ती, पीई की नहीं, पी एफ का, तो टू अपॉन सिक्स, ठीक है, काट भी सकते हैं। ई और एफ में क्या कॉमन है, तो ई और एफ में कॉमन हमारा क्या है बच्चों, ये देखिए एम एफ एस, एम एफ एस इसमें भी है, तो ये तो आएगा कॉमन, फिर एस एफ एम, एस एफ एम, तो मतलब ये पूरा का पूरा सेट जो है इसमें कॉमन आ रहा, तो ये हो जाएगा आपका क्या एम एफ एस और एस एफ एम, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ भी कितना है आपका दो, तो डेट सिंप्लाइज पी इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा टू अपॉन सिंपल स्पेस से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब आपको बोला जा रहा है बच्चों कि बताइए आप पीई बाई एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड इसकी वैल्यू क्या होगा, पीई बाई एफ की वैल्यू बताना है, PE by F की वैल्यू क्या, PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई क्या PF, तो ये हो गया बच्चों कितना 2/6/2/6, ये कैंसिल हो गया 1, तो ये हमारा श्योर इवेंट रहा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं श्योर इवेंट कम कैसे हो रहा, सबसे पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चों 1। अब सियोर इवेंट कैसे है, देखिए यहां पे आपके पास तीन प्लेस है ना, ये मिडिल वाला है ना, ये दोनों इंड वाला प्लेस है। अब बोल रहा है ई बाई एफ, ई में ई की इवेंट हमें निकालना है, एफ पहले हो चुका है, और एफ इवेंट क्या बोल रहा है फादर इन मिडिल, तो फादर पहले आए और ये एफ यहां पे सेट हो गया, ठीक है, एफ जो है यहां पे बच्चों बैठ गया है। तो अब आपको बताना है कि सन जो है वो किनारे में बैठेगा क्या, जब एफ बीच में आ चुका है तो अब यहाँ पे दो ही प्लेस बचा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो या तो सन यहाँ पे बैठेगा या तो सन यहाँ पे बैठेगा, और दोनों ही जो है वो इंड प्लेसेस है, दोनों ही किनारा है, ठीक है। तो ये तो 100% चांस होगी, अगर आप किसी को बीच में बैठा दे तो कोई आदमी किनारे में बैठेगा तीन प्लेसेस में कितने चांस है, ये बात 100% है, इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या 1, सियोर इवेंट है, तो क्या वो एक दो ही प्लेस बचा और दोनों के दोनों इंड के प्लेसेस है, इसलिए जो भी आदमी आएगा उसे क्या इंड में ही बैठना होगा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट करें, अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है बच्चों क्या कि एक ब्लैक है और एक रेड डाई को रोल किया गया, एक ब्लैक और एक रेड डाई को रोल किया गया, तो जब एक ब्लैक और एक रेड डाई को आप रोल करेंगे तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा 36 होगा, ओके। तो लेट कर लेते हैं एस बी द सिंपल स्पेस, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और 6,
एंड दूसरा भी क्या, 1 2 3 4 5 6, तो ये बच्चों हो गया 6 6 36, पूरा मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ये रेड है और ये ब्लैक डाइस है, ठीक है, दोनों को फेंका गया, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36। अब बोल रहा है आपको कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5। बोल रहा है कितना चांसेस है बच्चों कि दोनों डाइस के नंबरों को सम करेंगे तो 9 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 9। तो लेट मान लेते जिससे जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है उसे हम लोग ई मानते हैं, क्या ई, क्या इवेंट ऑफ गेटिंग ई, क्या माने बच्चों, इवेंट ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, सम कितना होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए। तो 9 से बड़ा आने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए 1 से लेकर 6 तक अगर आप जुड़ेंगे तो 9 नहीं आने वाला है, 2 से लेकर 6 जोड़ेंगे 8, 3 से लेकर 6 जोड़ेंगे तो 9, तो 3 तक तो कुछ नहीं मिलेगा, 4 से अगर आप जोड़िए तो 4 4 8, 4 5 9 और 4 और 6 10, 4 6 10, 9 से बड़ा है। तो ये अगर ये दोनों इवेंट हो गया, एक में 4 एक में 6, तो आपका क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। फिर 5 से आते हैं बच्चों तो 5 4 9, 5 5 10, तो 5 5 पॉसिबल है, फिर 5 6 भी पॉसिबल है ना, फिर 6 से आते हैं तो 6 4 और 6 5 और 6 6, 9 से बड़ा चाहिए, 9 नहीं चाहिए ना, 6 6, इन सबको सम करिए तो 10 10 11 10 11 12, है ना, तो सम हमेशा क्या, 9 से बड़ा है, राइट। उसके बाद एफ क्या बोल रहा है, एफ में क्या बोल रहा है बच्चों कि आपको ऐसा दे चुका है कि गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट 5, कि जो इवेंट हो चुका है वो क्या, ब्लैक डाई में 5 आ चुका है, इवेंट ऑफ गेटिंग 5 ऑन ब्लैक डाई, ब्लैक डाई में 5 आ चुका है, तो ब्लैक डाई में 5 आ चुका है, तो ये हमारा 5 1, रेड में कुछ भी आ सकता है, 5 2, 5 3, 5 5 और 5 4 5 5 और क्या 5 6, ये हो गया आपका एफ इवेंट को सेटिस्फाई करने वाले ये एलिमेंट, एक में आ, ब्लैक में आपका 5 आ चुका है, तो रेड में कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ क्या, सबसे पहले एनएफ, एनएफ की वैल्यू कितना 6 है, तो आप बताइए पीएफ कितना हो जाएगा, 6 बाई 36, ठीक है, 6 बाई 36। और ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या कॉमन है, तो 5 5 कॉमन है, राइट, 5 6 कॉमन है ना, 5 5 यहां पे और 5 6 यहां पे, तो क्या 5 5 और 5 6, मतलब क्या इसकी संख्या 2, तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, तो यहां पे आपको चाहिए क्या, पीई बाई एफ, क्या चाहिए, पीई बाई एफ, इसे इरेज करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी में फाइन लगा उसे ई माने थे, तो पी ई बाई एफ का फॉर्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई क्या, पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितना है बच्चों, 2 बाई 36 और ये 6 बाई 36, ये कट गया और ये 2 बाई 6 मतलब 1 बाई 3, तो ये हमारा आंसर आएगा, राइट बच्चों। तो आप इसे नोट करिए और फिर बाकी हम लोग जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।